मुंशी जी, ऐसा क्या हुआ जो आपने टेलीफोन करके मुझे फौरन आने के लिए कह दिया? सरकार, हमारी हवेली को न जाने किसकी नजर लग गई। 2 साल पहले रानी माँ गुजर गई और अब आप क्या? छोटे सरकार और बहू रानी भी। क्या हुआ राजीव रजनी को? शिमला जाते हुए एक कार एक्सीडेंट में। मुंशी जी, ये सब कैसे हो गया? छोटे सरकार और बहू रानी एक गाड़ी में आगे आगे जा रहे थे, मैं आया और बच्ची पीछे पीछे स्टेशन नगर में जा रहे थे। अचानक सामने से एक टैंकर आया, छोटे सरकार ने बचाने की बहुत कोशिश की मगर छोटे सरकार की गाड़ी हजारों फीट नीचे खड्ड में जा गिरी। जब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी में आग लग चुकी थी, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया सरकार। मुंशी जी, बच्ची कहाँ है? हवेली में है सरकार। भाई को छीन कर भगवान ने हमारा एक बाजू का डाला था, लेकिन राजीव की मौत ने हमें जीते जी मार डाला। पूरे 15 बरस हमारे साथ रहा था, बचपन से लेकर जवानी तक बिल्कुल यारों की तरह। इसीलिए हमने सोचा था कि यूरोप का कारोबार बंद करके जिंदगी के बाकी दिन बच्चों के साथ हंस खेल कर गुजार देंगे, लेकिन ना जाने भगवान को क्या मंजूर था। भगवान को शायद यही मंजूर था कि जिस तरह इस बच्ची के बाप की परवरिश आपके हाथों हुई थी, इस बच्ची की परवरिश भी आप ही के हाथों हो। मुंशी जी, जी हमारे सब रिश्तेदार शहर में रहते हैं जी, और फिर राजीव का ननिहाल भी शहर में ही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस बच्ची की परवरिश भी शहर में की जाए। आपका क्या ख्याल है? इसके सरपरस्त अब आप ही हैं, जैसा मुनासिब समझे कीजिए। तो ठीक है, कल सुबह ही हमारा शहर जाने का इंतजाम करवा दीजिए। जी अच्छा। कितने सांप पकड़े? बहुत से पकड़े हैं महाराज, अंदर चलकर देखिए। इनमें से कोई काम का सांप है? आपकी आज्ञा अनुसार जहां से जो भी सांप मिला हम उठाकर यहां ले आए महाराज, लेकिन इनमें से कौन सा काम का है और कौन सा नहीं, इसकी पहचान तो आप ही कर सकते हैं महाराज। इतने वर्षों से हमारी संगत में मूर्ख ये भी नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, रोज रोज इन बेकार सांपों को लाकर हमारा और अपना दोनों का समय नष्ट करते हो, महामूर्ख। महाराज, भैरव बाबा के अभिषेक का समय हो गया है। इन सबको जहां से उठाकर लाए थे। एक बात और, आज अमावस्या है, अगर अगली अमावस्या तक उन दोनों सांपों की जोड़ी नहीं मिली तो तुम सबको सांप बनाकर इसमें बंद कर दूंगा। स्नान हो गए? हाँ महाराज, दूसरे स्नान करा दिया है, बाकी विधि आप पूरी कीजिए। महाराज, आज आपका स्वर्गवास हुए 20 वर्ष हो गए, और इतने ही वर्ष हो गए हमें आपकी गद्दी पर बैठे हुए, लेकिन हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि इन 20 वर्षों में हमें पल भर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, आपने तो अपने प्राणों का बलिदान उस मणि को पाने के लिए किया। जहां तक हम समझते हैं आपको उन्हीं दो नागों ने डसा
जो रजनी और मणि की रक्षा किया करते थे, उन्हीं की वजह से वो मणि आपके हाथ नहीं लगी। जब से हमने गद्दी संभाली है गुरुदेव, हमने प्रण किया है कि जब तक आपके मुकुट में वो मणि नहीं जड़ देंगे, तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि उस मणि को पाने के लिए हमें उन दो नागों को पकड़ना होगा, इसलिए हम रोज अपने शिष्यों को उन सैकड़ों सांपों को पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं, ताकि किसी तरह हम उस मणि तक पहुंच सकें उन दो नागों के द्वारा। आज हम दोबारा आपकी सौगंध खाकर कहते हैं, गुरुदेव, या तो आपकी अगली पुण्यतिथि तक आपका ये मुकुट उस मणि से जगमगा रहा होगा, या फिर हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। भैरव, 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 हमें शक्ति दीजिए गुरुदेव कि हम उन दो नागों को पकड़ने में सफल हो सकें। फतखोरो, 18 साल हो गए, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। अरे ये काम कर रहे हो या रो रहे हो, जल्दी ये करो। अरे मुंशी जी फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा, समझिए। सब हो जाएगा, समझिए। अरे जब हो जाएगा तब समझेंगे ना, इधर हो गया अब जाके उधर करो, जब हो जाएगा तो समझेंगे, जब हो जाएगा तो समझेंगे ना। अरे साहब, 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 अरे मारो, मारो, मारो उसे। अरे हट, हट, अरे 5000 का स्टैचू फोड़ोगे क्या? अरे मुंशी जी काट लेगा। अरे काहे का काट लेगा, अरे बेचारा अहिंसावादी सांप है, बरसों से मैं देख रहा हूँ, शांति से आता है और बेचारा शांति से चला जाता है। वो देखो कैसे शांति से जा रहा है, कैसे शांति से जा रहा है। अब तुम लोग भी जाओ, अरे जाओ अपना अपना काम करो जाके, जाओ। अरे तुम न जाओ, आओ रूपमती, तू भाग मती। अरे इसके काटे से अगर तू मर भी गई तो तेरे घर वाले को क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो बेपरवाह है, मगर जिसको तेरी परवाह है तुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह। अरे मुंशी जी बूढ़े हो गए लेकिन नजर तुम्हारी वही गंदी। तू एक काम कर, माया से कह बिटिया रानी का कमरा अच्छी तरह साफ कर दे। राजा साहब और बिटिया रानी आते ही होंगे। आइए आइए। कैसे हो मुंशी जी? बस कृपा है आपकी। कैसे हो सब लोग? सब ठीक है मालिक। आओ बेटी। बिल्कुल छोटी मालकिन जैसी लगती है, लगता है आज 18 साल बाद छोटी मालकिन वापस इस हवेली में आ गई। बिल्कुल अपनी माँ जैसी। आइए सरकार आइए, लिफ्ट तो नहीं है मगर सीढ़ियां हैं। हैं तो? हाँ बिल्कुल है। ये तुम्हारी अपनी हवेली है, यहाँ पर वो। नमस्ते। तुम गायत्री हो ना? जी पहचान लिया, मैंने तो समझा कि इतने सालों के बाद मिले हैं तो शायद नहीं पहचानेंगे। पहचानता कैसे नहीं, याददाश्त ही तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नीलम ये गायत्री आंटी है। नमस्ते। वो अपने अजय सिंह जी थे ना, ये उन्हीं की बहन है, बचपन में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे खेलते थे। वो अजय सिंह की एक छोटी सी बेटी होती थी, वो आजकल कहाँ है? वो आजकल शांति निकेतन में है, लेकिन उसका बेटा आजकल यहाँ आया हुआ है, वही भाई साहब का सारा काम काज संभालता है। अच्छा कुमार। कुमार नमस्ते अंकल। अरे जीते रहो बेटा। अरे वो तो खुद गुड़िया सी थी, उसका बेटा इतना बड़ा हो गया। सरकार कुमार साहब का फार्म देखने लायक है, जमीन हमसे चौथाई मगर फसल दुगनी। चलेंगे एक दिन का फार्म देखने। कुमार नीलम। नीलम हेलो। हेलो आओ अंदर चलो। चलो आप लोग भी आइए। चलिए आइए आइए, आप भी आइए आइए। नौकरों को अंदर भेज दिया, सामान कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा। यही है वो हवेली जहां तुम पैदा हुई थी, और तुम एक साल की थी जब मैं तुम्हें यहां से शहर ले गया था। और कुदरत का करिश्मा तो देखिए भाई साहब, नीलम के नए नक्श
बिल्कुल अपनी माँ पर पड़े हैं। जस्ट रेप्लिका ऑफ अ मदर। क्यों अंकल? यस कुमार, बहू को तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन फोटो से लगता है कि हमारी रजनी बहू बिल्कुल नीलू बिटिया जैसी थी। ये मुंशी जी कहाँ रह गए? वाह वाह, क्या तरकीब है, बक्सों में पहिए लगाकर बक्सों को बैलगाड़ी बना दिया है। जी। ये क्या, इतने नौकरों के होते हुए आप खुद सामान ला रहे हैं और फिर ये उम्र है बोझा उठाने की? सरकार, पहली बात तो ये कि इस घर का बोझ उठाने का हक मैं किसी को दे ही नहीं सकता, और रही बोझ उठाने की बात तो ये बोझ तो कुछ भी नहीं है सरकार, जो बोझ मुझे अपने घर में उठाना पड़ता है। मेरी पहाड़ जैसी बीवी और उसकी 7 शाखाएं, यानी कि मेरी 7 सालियां, किसी के लिए लाने पड़ते हैं बुंदे और किसी के लिए लानी पड़ती है बालियां। अच्छा अंकल, मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे फार्म पे कुछ काम है। इतनी जल्दी क्या है, चाय वाय पीकर जाओ, फिर किसी दिन अंकल। अच्छा, फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। आप भी कभी घर आइए ना। हाँ जरूर आएंगे, नीलम को जरूर साथ में लाइएगा। ओह श्योर, नाइस मीटिंग यू। वेरी नाइस मीटिंग यू। अच्छा नीलम जी, नमस्ते आंटी। बाय बाय। दादाजी, यहाँ कितने दिन रहने का प्रोग्राम है आपका? मेरा? अरे बिट्टू, ये जमीन जायदाद सब कारोबार अब तुम्ही ने तो संभालना है। क्या मुझे? माय गॉड दादाजी, इस गांव में मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकूंगी, 2-4 दिन की बात अलग है। देखो बिट्टू, तुम्हें तो अब यहाँ सारी जिंदगी रहना है। किस जंगल में? इम्पॉसिबल दादाजी, आपको रहना तो रहिए। मुंशी जी, 2-4 दिन के बाद मेरे जाने का इंतजाम करवा दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। नो वे। बेटे, क्या बात है, क्या हुआ? दादाजी, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? किस बात के लिए? यहाँ रहने की बात पर मुझे आपसे इतना रूडली नहीं बोलना चाहिए था। अरे उस बात को तो मैं कब का बोल चुका। अरे पगली, मैं तो जी ही तेरी खुशी के लिए रहा हूँ। अगर तुझे यहाँ रहने में खुशी नहीं है तो मुझे भी खुशी नहीं है। सच दादाजी, आप गुस्सा तो नहीं है ना? अरे बिटिया, अगर दोस्त की बात पर दोस्त गुस्से हो जाए तो फिर दोस्त किस बात का है? ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाइए। चलिए। चल। गुड नाइट दादा। गुड नाइट बिटिया।
ये क्या हुआ? कैसा अनोखा प्रकाश है जो तीर की तरह आंख से निकल गया? शायद कहीं कोई तारा टूटा है या कोई बिजली गिरी जो, लेकिन बिजली गिरती तो उसकी आवाज होती। फिर ये प्रकाश, कहीं ये प्रकाश मणि का तो नहीं? हाँ, ये प्रकाश मणि का है। मणि, रात गए यहां क्या कर रही हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू ससेरा, मैं नागिन तू ससेरा। रजनी, नहीं नहीं उसे तुम्हारे वो बरसों हो गए, तो फिर ये कौन है? बिल्कुल रजनी जैसी, कहीं रजनी की बेटी तो नहीं? हां वही होगी। इस डरावनी रात में सुनसान खंडर में आने की हिम्मत और कौन कर सकता है? इसका मतलब है अभी अभी मणि का प्रकाश जो मैंने देखा वो इसने भी देखा होगा। सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि मणि भी देखी होगी। इसका मतलब मणि यही कहीं है, मैं उसे पाकर रहूंगा। भैरव, भैरव, भैरव! क्या बात है छोटी मालकिन, आज बहुत देर तक सोती रही, तबीयत तो ठीक है ना? न जाने क्यों सर कुछ भारी भारी सा लग रहा है, पता नहीं रात भर क्या क्या चलता रहा। कोई सपना देखा था? सपना पता नहीं सपना था या सच्चाई। क्या देखा था? ज्यादा कुछ याद नहीं, मगर कोई खंडर था जहां मैं। अरे छोटी मालकिन, आप भी उन्हीं खंडरों के चक्कर में पड़ गई? कौन से खंडर? वही अपनी पुरानी हवेली। सुना है आपके पिताजी भी उन खंडरों में बहुत भटकते थे। रानी माँ उन्हें हमेशा वहां जाने से रोकती थी, कहती थी वो जगह अच्छी नहीं है, वहां मत जाया करो। फिर डैडी उन खंडरों में क्यों जाया करते थे? क्या मालूम। खैर आप छोड़िए इन खंडरों की बातों को, जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। माया जी, एक काम करोगी, जरा डैडी का कमरा खोल दो। जी मालकिन। आज जब उस खंडर को देखा तो कुछ अजीब सा लगा, एक अनजाना खिंचाव सा महसूस किया। लगा जैसे उस जगह से मेरा कोई गहरा संबंध है। यूं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पायलों की इतनी साफ आवाज मैंने सुनी जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। खंडर।
सजाता रे का कौन है? कौन है वहां? ये लड़की बार बार यहां क्यों आती है? शायद शायद मणि का आकर्षण उसे यहां तक खींच लाता है। इसका मतलब मणि यहीं कहीं है। भैरो 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 गुरुदेव अब आपके मुकुट को मणि की ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी महाराज। मेरा विश्वास और भी पक्का होता जा रहा है कि मणि भी वही कहीं है जहां की जमीन आपके खून से रंगी है। हाँ महाराज, खंडर का वही पुराना मंदिर जहां रजनी के दो रखवाले नागों ने आपकी जान ली थी, उसी मंदिर में मुझे आज एक लड़की दिखाई दी जो रजनी का ही प्रतिरूप थी। उसे देखते ही मुझे लगा यही लड़की है जो मुझे मणि तक पहुंचा सकती है। अब उसे पाना होगा महाराज, उसे पाना होगा। लेकिन कैसे कैसे महाराज कैसे? सीता हरण, हाँ यही ठीक होगा। लड़की को उठा कर लाना होगा। भैरो 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 अख निरंजन। प्रणाम महाराज, ये लीजिए। मूर्ख, हम नौकरों के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। लेकिन महाराज, इस घर की मालकिन से कहो कि अगर हमें भिक्षा देनी है तो स्वयं आकर दे, वरना हम खाली हाथ लौट जाएंगे और जिसका मतलब होगा सर्वनाश। जाओ। छोटी मालकिन, क्या हुआ? कोई पागल साधु आया है, कहता है नौकरों के हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। अरे अजीब पागल है, लाओ मैं देती हूँ। जाओ
नहीं वही नाग तो नहीं जिसने गुरुजी को भी डसा था। कसम भैरवनाथ की अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, बस मणि का पता चल जाए फिर ना ये लड़की बचेगी ना उसके ये पहरेदार नाग। कौन है आप लोग, अंदर कहां जा रहे हो? जाओ खबरदार। तुम लोगों में से हवेली के अंदर कौन गया? हम किसी जा रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसे मालूम? नहीं जा सकते तुम हैं। हमारे गुरुजी कहां हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या कर रहे हैं? अंदर मत जाइए। चल हट। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारा गुरु जब होश में आ जाए तो उसे बता देना कि राजा साहब ने सख्ती से कहलवाया है, आइंदा अगर तुम लोगों में से कोई हवेली की तरफ फटका तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा, समझे? चलो हटो। ये संसार हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। वर्षों से जिस उद्देश्य के लिए हमने तुम्हें बंद कर रखा था आज उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमें वो मणि चाहिए और उसे पाने के लिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम कोई साधारण जीव नहीं, हमारी साधना का वो फल हो जो संसार का कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकता है, जो किसी मनुष्य की शक्ति से बहुत दूर है। हो सकता है उस मणि को पाने के लिए तुम्हें कई लोगों की हत्या करनी पड़े, लेकिन जो भी बाधा तुम्हारे रास्ते में आए हमेशा के लिए मिटा दो से। एक बात और, उस मणि तक पहुंचने की महत्वपूर्ण सीढ़ी है वो लड़की नीलम। उस रास्ते से जाओगे तो ये काम तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी माया से तुम में वो शक्ति पैदा कर दी है कि तुम्हारी आवाज सुनकर कोई भी तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। जाओ, हमारी सब शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। और सुनो, ये माला देख रहे हो, इसका एक एक मनका हमारी सिद्धि का फल है। जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी तुम हमारे बंधन में रहोगे और तुम जो कुछ भी करोगे हमें मालूम होता रहेगा। मैं धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जाओ। हे
साथ बड़े एक मिठी आई ओ, 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 याद बड़े एक मिठी आई उड़ के जरा सी मिट्टी आई ओ, 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 ओ नाम मेरे एक चिट्ठी आई जिसने मेरे भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जी। किसी बादशाह ने हमारे देश की खूबसूरती को देखकर कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है यही है यही है और तुम्हें देखकर लगता है कि उस स्वर्ग की कोई अप्सरा है तो वो तुम हो तुम हो तुम हो। तुम कौन हो? हवा का एक झोंका जो उधर से आया और
इधर चला जाएगा। तुम रहते कहाँ हो? हसीनों के दिल में। करते क्या हो? मोहब्बत और खूबसूरत चीज से। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। सच कहता हूं, पता नहीं कभी तुमने अपने आप को गौर से देखा है या नहीं, मगर मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। बातें अच्छी बना लेते हो। कहाँ जा रहे हो? नवलगढ़। मेरी माँ रहती है वहां। बहुत अरसे के बाद अपने घर जा रहा हूं। तुम तो राजा साहब की पोती नीलम हो ना? तुम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम मेरे दादाजी से मिले हो? लेकिन जब उन्हें मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा कि उनकी नीलम बहुत खूबसूरत है। पहली मुलाकात में ही उसने आनंद का दिल जीत लिया। तो तुम्हारा नाम आनंद है? हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कब? जब तुम चाहो। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस दम। मैं गया वक्त नहीं कि फिर आना सकूं। तो फिर कल यहीं मिलेंगे, आओगे ना? बाय बाय। हाय आंटी। लो बिट्टू आ गई। आओ बेटी। ओ आप भी प्रिंस चार्मिंग। हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। कहाँ से आ रही हो बेटी? ऐसे जरा घूमने गई थी आंटी। मगर आप लोग कहाँ रहते हैं? कुमार तुम तो कई दिनों से नजर ही नहीं आए। वो है कुमार, हमें तुमसे बहुत बड़ी शिकायत है। जी? पिट्टू शहर से आकर अकेली पड़ गई है। तुम लोग हम उम्र हो कभी कभी मिलते रहा करो। छोड़िए दादाजी, हमारे लिए इनके पास टाइम कहाँ है। जी कल से रोज हाजिर हो जाऊंगा। बेटी कभी तुम भी घर आओ ना। जरूर आंटी। अरे बैठिए ना। नहीं बेटी बहुत देर से बैठे हैं, अब चलते हैं। आप भी कभी घर आइए ना। हाँ बिट्टू के साथ आऊंगा। अच्छा ओके आंटी। जीते रहो। बाय नीलम। सी यू। सी यू। दादाजी। हाँ? ये गायत्री आंटी क्या चीज है? क्या मतलब? कहीं लाइन तो नहीं मार रही आप पर? अरे शरीर कहीं की। बलराम। अरे बलराम, न जाने ये ससुरा बलराम कहाँ मर गया। मुंशी जी। हाँ जी। ये बलराम कौन है? आजी अपना ड्राइवर है। कल सुबह बिटिया रानी को शहर जाना है। मुझे जाना है? और नहीं तो क्या मुझे जाना है? अरे मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन एम्बेसडर गाड़ी का बंदोबस्त किया है, उसके पीछे एक मारुति वैन का बंदोबस्त किया है, उसके अंदर चलता फिरता रसोई घर भी है। हमारी बिटिया रानी को रास्ते में खाने पीने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। मुंशी जी। हाँ? आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं? हाँ। कोई तकलीफ है आपको मुझसे? सच नीलू, तुमने जाने का इरादा बदल दिया। इतने अच्छे दादाजी को छोड़कर कौन जाता है? अब तो मैं यही रहूंगी अपने दादाजी के पास। मुंशी जी, जी जाने का प्रोग्राम कैंसिल। एकदम कैंसिल। मुंशी जी, जी कुछ सुना आपने? जी सुना भी और देखा भी। इस हवेली में पहली बार बिट्टू के चेहरे पर खुशी देखी है। और बिट्टू की खुशी हमारी खुशी है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। दुख के अब दिन बीतत नाही। मुंशी जी, जी ओ जी आपको चढ़ गई है। मुझको दुख के दिन बिताते बिताते आप 7 गिलास पी चुके हैं। 7 का ये आंकड़ा सारे साथी की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। आसमान में 7 रंग, जमीन में 7 समंदर और मेरे घर में मेरी 7 सालियां, जैसे 7 गालियां। मुंशी जी, सालियां गालियां नहीं होती। हमने शादी नहीं की, लेकिन ये मालूम है कि सालियां जो हैं वो आधी घर वालियां होती हैं। आधी घर वालियां? अरे एक का बोझ उठाते उठाते मेरी कमर झुक गई, मेरी सांस जहाँ थी वहीं के वहीं रुक गई। बड़ी मुश्किल से उन सब की शादियां की थी, खर्चा कर करके अपनी बर्बादियां की थी। मगर वाह रे मुंशी तुम्हारी लाल, तू किस्मत का धनी है। अबे तेरे पीछे शनि है, वो फिर सातों की सातों फिर वापिस तेरे घर की कुंडली में आन टपकी। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फिर से ठप
चप्पू लगाए घड़ी घड़ी। सरकार आप उन सातों से शादी कर लीजिए। मुंशी जी क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक से कर लीजिए। बलराम? नहीं वो नहीं चलेगा, आप करिए। मैं बलराम ड्राइवर को बुला रहा हूँ, आप बिल्कुल ड्रंक हो चुके हैं। वो आपको गाड़ी में डालकर घर तक छोड़कर आएगा। घर? सरकार घर मत भेजिए मुझे, काले पानी भेज दीजिए। वो घर नहीं है सरकार, वो नरक है। मुंशी जी घर नरक नहीं होता, स्वर्ग होता है। अरे स्वर्ग आपके लिए होता होगा, मेरे लिए तो नरक है। मेरे घर का ये हाल है, बीवी तलवार है और ये सर ढाल है। सरकार मुझे उस घर से बचाइए, अपने चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। चरणों में थोड़ी सी जगह, चरणों में? अरे अपने चरणों में? अरे चरणों में भी नहीं। अरे साथी हाथ बटाना, देख अकेले थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हाथ ही साथ बटाना। बगैर मर जाऊंगी? दिन भर मुझसे इंतजार करवाया और खुद आया नहीं। मुझे मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो एक परदेसी था जो रास्ते में मिला और चला गया। ऐसे कई लोग जिंदगी में मिलते हैं और चले जाते हैं, फिर उनके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसे क्या जादू कर दिया है उसने? उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है? We'll be right back.
कैसा सपना था जिसमें नाग ही नाग थे। नाग? ये तो बड़ी शुभ बात है। आजकल शिवरात्रि का सप्ताह चल रहा है, इसलिए सपने में नाग आना बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, आपके कुल देवता के मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। वो नागों के देवता हैं। नहीं नहीं नहीं, उस खंडर में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ भी तो शिवरात्रि की पूजा चल रही है। कहते हैं इन दिनों हर लड़की को शंकर जी के दर्शन करने चाहिए, जिससे मन की हर कामना पूरी होती है। नीलम, मेरी बात तो सुनो। उस दिन मैं आ नहीं सका, दरअसल मैंने कुछ पूछा तो नहीं तुमसे। आनंद बेटे। माँ, ये नीलम है, मैंने आपको बताया था ना, उस दिन वहां मिली थी, बड़ी हवेली में रहती है। बड़ी हवेली में? क्या ये राजा साहब की पोती है? हाँ माँ। नमस्ते, जीती रहो बेटी। आनंद ने जैसे ही मुझे बताया कि तुम बड़ी हवेली में रहती हो, मैं समझ गई कि तुम रजनी रानी साहिबा की बेटी हो। कितनी मिलती जुलती हो अपनी माँ से, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही चेहरा मोहरा। आपने आपने मेरी माँ को देखा है? क्यों नहीं बेटी, मैं तो उनकी शादी में भी शामिल हुई थी। तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े जमींदार थे, यूँ समझ लो एक तरह से राजा ही थे वो, और हम लोग उन्हीं की रियासत में छोटे मोटे जमींदार थे। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी ना, तीज त्योहारों पर मिलना हो ही जाता था। न जाने हवेली की खुशियों को किसकी नजर लग गई। अपने घर के बारे में आपसे सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, कभी आइए ना हमारे घर। जरूर आऊंगी बेटी, लेकिन पहले तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। मैं आनंद को भेज दूंगी तुम्हें लाने के लिए। मैं खुद आ जाऊंगी आंटी, इन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे बिटिया, इतनी ठंडी हवा चल रही है और तुमने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना। ऐसे में ये लो। अपनी माँ को तो मैंने कभी नहीं देखा, मगर आपको देखने के बाद ऐसा लगता है मेरी माँ भी ऐसी ही प्यारी, ऐसी ही ममता लुटाने वाली होगी। चलते भैया, गजब हो गया आनंद भैया, हम गरीबों की साल भर की मेहनत बेकार चली गई। क्या हुआ? कुमार बाबू के आदमी हमारे खलियानों से सारी फसल ले जा रहे हैं। अगर क्यों? हम लोगों ने उनसे कुछ कर्ज लिया था और ये वादा किया था कि अनाज बेचकर आपकी पाई पाई चुका देंगे, मगर जैसे ही खलियानों में फसल आई उनके आदमी आकर खड़े हो गए। उनको हम पर भरोसा ही नहीं रहा, हमारी ही बैलगाड़ी पर हमारा सारा अनाज लेकर जा रहे हैं। अगर वो लोग तुम्हारा सारा अनाज ले जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? यही तो उनसे हमने कहा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? ये बैलगाड़ियां कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने मालिक के खलियान पर। ये बैलगाड़ियां और ये अनाज इन लोगों के हैं, इन्हें वापस कर दो। अपने काम से काम रखो बाबू, इन लोगों के लिए इतने बड़े आदमी से क्यों टकराते हो? लो वो आ गए। क्या हुआ था केशव, रुक क्यों गए? ये बाबू कुछ कह रहे हैं मालिक। कहिए। कुमार साहब, ये लोग आपके कर्जदार जरूर हैं, मगर इन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए ताकि अपना अनाज बेचकर आपका कर्ज उतार सके। इसकी क्या गारंटी है भाई कि इसके बाद भी ये लोग मेरा पैसा वापस कर देंगे? गारंटी मैं देता हूँ। वो देखिए, सामने मेरा फार्म है, खलियान में देखिए कितना अनाज पड़ा है। अगर इन लोगों ने आपका पैसा वापस नहीं किया तो मैं लौटा दूंगा। ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी गाड़ियां ले जा सकते हो। चलो रखो भैया। थैंक यू कुमार साहब। कौन है ये? शांति चाची का बेटा है। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है नीलम, मगर मैं तो इंसान हूं और इंसान हर पल सौ बार जीता है और सौ बार मरता है।
इसमें जीने मरने की क्या बात है? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं नहीं जानता था कि मेरे उस दिन आने से तुम इतनी नाराज हो जाओगी। मैं तो ऐसे ही नहीं आया था। किसी की जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी। दरअसल मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। वो क्या है कि मैं इतने दिनों बाद माँ को मिला हूँ ना, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। न जाने मुझे भी क्या हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। क्या जादू कर दिया है तुमने कि तुमसे मिलने को इतनी परेशान हो गई थी? इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं तो तुमसे मिलता रहता हूँ। तुम मुझसे? कब मिले थे? सपने में। सपने में? हाँ। ये बात तो सच है, सपने में तो हम लोग मिले थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोमांटिक जगह है ये, पुराने जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी। मैंने सुना ये तुम्हारे पुरखों की हवेली थी। हाँ, हमारे बुजुर्ग कभी यहाँ रहते थे। मम्मी डैडी भी? नहीं, वो लोग नई हवेली में रहते थे। फिर भी डैडी को इस जगह से बहुत लगाव था, वो अक्सर यहाँ आया करते थे। क्यों? ये तो मालूम नहीं, मगर उनकी माँ उन्हें यहाँ आने से रोकती थी। माँ बता रही थी किसी जगह पर तुम्हारे डैडी को बचपन में सांप ने काट लिया था। एक साधु ने उन्हें तो बचा लिया था, अगर वो सांप मर गया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि वो सांप मणिधारी था, और अगर ये सच है तो मणि यही कहीं होनी चाहिए। मणि? ये मणि क्या चीज है? तुम्हें नहीं मालूम? बहुत ही कमाल की चीज है, जादू चिरा की तरह। वो जिसके हाथ लग जाए वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने का मालिक बन सकता है। चलो ढूंढते हैं उसे। आनंद, मुझे दुनिया के किसी खजाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे कीमती खजाना तो मेरे सामने है, जो न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद मेरे हाथ लगा है। अरे क्या सोच रहे हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, माँ जी से मिलने। चलो ना। अरे बेटी, तुम, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या तुम हमारे घर पर आई हो? ऐसी क्या बात है माँ जी? कृष्ण सुदामा के घर चलकर आए तो सुदामा को अचंभा तो होगा ही, कहाँ राजा साहब की पोती और कहाँ हम। बैठो बेटी, बैठो। माँ आप लोग बातें कीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कहो बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कुछ पियोगी? नहीं नहीं। माँ जी, ये किसकी तस्वीर है? ये आनंद की तस्वीर है। जब वो 7 साल का था, इसी तस्वीर के सहारे मैंने पिछले 15 साल गुजारे हैं। क्या मतलब?
हम लोग कुंभ के मेले में गए थे, वहीं ये तस्वीर भी खिंचवाई थी। बस फिर भीड़ में ऐसा खोया मेरा बेटा, क्या पूरे 15 साल बाद मिला। कोई करिश्मा ही हुआ समझो, मैं तो आशा ही छोड़ चुकी थी। आपने पूछा तो होगा इस बीच कहाँ रहे। कहता है साधुओं की संगत में रहा, आपने कभी कभी ज्ञान ध्यान की बातें करता रहता है। मुझे तो डर लगता है कि ये कहीं फिर चला गया तो मेरा क्या होगा। नहीं माँ जी, आप जी छोटा ना करें, आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। मैं जानती हूँ बेटी, वो तुम्हें बहुत मानता है। जब से वो तुम्हें मिला है सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता रहता है। मैंने तो सोच लिया है कि उसे जितनी जल्दी हो सके शादी के बंधन में बांध दूंगी। अगर तुम कहो तो राजा साहब से रिश्ते की बात करूं। क्या बातें हो रही हैं? चले आनंद। अच्छा ये कैसे हो सकता है बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, बिना कुछ खिलाए थोड़े ही जाने दूंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या देख रही हो? जानती हो माँ जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी माँ? यही कि हमारी शादी के बारे में दादाजी से बात करेंगी। शादी? इतनी जल्दी क्या है? इसका मतलब है माँ जी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी माँ? यही कि शायद तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। पहले भी तुम 15 साल तक कहीं गायब थे, कहाँ रहे इतने साल? छोड़ो ना पुरानी बातों को, आओ बैठ। बात को टालो मत आनंद। तुमने कभी ये सोचा है कि वो 15 साल माँ जी ने कैसे काटे होंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अरे तुम तो भाषण देने लग गई, मैं कहाँ माँ को छोड़कर जाने वाला हूँ। एक बात याद रखो आनंद, माँ जी का तुम्हारे बगैर कोई नहीं है। बचपन की बात और थी, अगर आप तुम उन्हें छोड़कर चले गए तो शायद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आनंद अब सिर्फ माँ जी ही नहीं, तुम्हें जाने से पहले मेरे बारे में भी सोचना होगा। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी का मकसद हो। अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं अपनी जिंदगी के अंधेरों में ना जाने कब तक भटकता रहता। आनंद आई लव यू आनंद। ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भैरव भैरव भैरव। महाराज आप यहाँ? तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? याद है आनंद, तुम्हें यहाँ भेजने से पहले हमने एक कलश की स्थापना की थी, उसकी पूजा की थी। वो कलश टूट गया है, पूजा भंग हो गई है। तुम भूल गए हो कि हम लोग दुनियादारी के चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि हम लोग साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी आप हैं, साधु भी हैं। मैं नहीं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। ओह, तो हम ये समझ लें कि तुम विद्रोह पर उतर आए हो और नीलम को हमारे पास लाने के बजाय उसके प्रेम जाल में फंस गए हो। यही समझ लीजिए, हमने यही समझने के लिए तुम्हें नाग योनि से मुक्ति नहीं दी थी। हमें वो मनी चाहिए आनंद, जो सिर्फ नीलम के द्वारा हमें मिल सकती है। और नीलम को लेकर तुम आओगे हमारे डेरे पर। मैं तुम्हारे डेरे पर कभी नहीं आऊंगा गोरखनाथ, और नीलम को लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। अगर बन जाए तो तुम्हारी और नीलम की जोड़ी लाखों में एक होगी,
मगर अब यह संभव नहीं, क्योंकि तूने हमारी साधना को भंग किया है। हम तेरे सपने भंग कर देंगे, दूल्हा बनने के सपने। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी नीलम। अगर तूने नीलम का बाल भी बांका किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू हमें जान से मार देगा? तू वही है ना जिसे हमने अपनी तंत्र विद्या से 15 साल तक सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर रखा था। हाँ, 1-7 साल के बच्चे को मेले से उठाकर तेरे जैसा पाखंडी अपनी तंत्र विद्या का नाजायज फायदा उठा सकता है, मगर अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं तेरे पाखंड का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। हाथ भर का सांप 7 हाथ का कैसा गबरू जवान हो गया है। इस जवानी पर इतना गर्व ना कर बच्चे, हमारी सिद्ध शक्तियों के सामने इसका कोई अस्तित्व नहीं। हमारा सिर्फ एक मंत्र तेरे इस लोहे के शरीर को पिघलाकर पानी कर देगा। भगवान की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो तू खुद उसमें चलकर भस्म हो जाएगा। और अगर तूने नीलम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। और अब इससे पहले कि मैं तुझे तेरी शक्तियों समेत यहां से उठाकर बाहर फेंक दूं, निकल जा यहां से। आनंद, हमारा श्राप तुझे भस्म। अब आपसे क्या छुपाना भाई साहब, जब से नीलम यहाँ आई है कुमार कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वैसे जोड़ी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई साहब कि अगर दोनों खानदान मिलकर एक हो जाए तो इससे बहन, शादी ब्याह के मामले में मैं बुजुर्गाना हक या खानदानों की दुहाई देकर निपटाने के हक में नहीं हूँ। आखिर जिन दोनों ने सारी जिंदगी एक साथ रहना है, आखिरी फैसला करने का हक भी उन्हीं को होना चाहिए। जी, नमस्ते आंटी। जीती रहो। आओ बिट्टू, आओ लीजिए, अब आप खुद ही बात कर लीजिए। कैसी बात आता जी? बेटी, तुम शायद ये जानती होगी कि तुम्हारे और मेरे भाई अजय सिंह के खानदान में बहुत गहरे संबंध थे। अजय की बड़ी इच्छा थी कि विजय और तुम्हारे पापा की शादी करके इस संबंध को और भी गहरा किया जाए, लेकिन होनी को शायद ये मंजूर नहीं था। आज किस्मत ने एक मौका फिर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम और कुमार शादी करके। आंटी, मैं क्या कहूँ? आंटी बस इतना समझ लीजिए कि शायद इस बार भी ये रिश्ता होने को मंजूर नहीं है। दादाजी, आप आंटी से बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अभी आती हूँ आंटी। मैं चलती हूँ। देखिए, बच्चों की बात का बुरा नहीं मानिए, मैंने तो पहले ही कहा था। रहने भी दीजिए, क्या मैं समझती नहीं? चलती हूँ। बिट्टू। हाँ दादाजी। क्या बात है बिट्टू, तूने आंटी को साफ इनकार कर दिया, क्या तुझे कुमार पसंद नहीं है? वो बात नहीं दादाजी, दरअसल। अरे तू अपने दादाजी से शर्मा रही है? कैसी दोस्त है तू, क्या कोई और लड़का पसंद आ गया हमारे बिट्टू को? अरे बोलना। जी हाँ। कौन है वो? एक पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का आनंद। नाम तो अच्छा है। लड़का भी अच्छा है, वैसे बहुत सिंपल लोग हैं हमारे खानदान से उनका। अरे पगली, हमने तेरी शादी लड़के से करनी है या खानदान से? चल हमें जल्दी से उससे मिलवा दे। दादाजी थैंक यू। क्या हुआ आंटी? मुझे तो मालूम ही था कि रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ तेरी जिद की वजह से वहां जाकर मुझे अपनी बेइज्जती करवानी पड़ी। राजा साहब ने इनकार कर दिया? राजा साहब ने नहीं, खुद नीलम ने साफ इनकार कर दिया। मुझे मालूम है वो किसके चक्कर में है। आज रात मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। Thank you.
नहीं छोड़ूंगा, मैं सब छोड़ूंगा नहीं। हम तुम्हें बड़ा अच्छा लड़का समझते थे कुमार, अनंत से तेरी क्या दुश्मनी है कि इसका इतना नुकसान करने के बावजूद तू इसे मारने के लिए तैयार है? पुलिस को बुलाओ। नहीं भाई साहब, इसे माफ कर दीजिए, मैं कल ही इसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। इस आग की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगी। बात नुकसान की नहीं गायत्री, बात है बिट्टू की शादी की, और वो हम जहाँ चाहे वहाँ करेंगे। हमारा खानदान किसी की धौंस सुनने का आदि नहीं है। ले जाइए इसे यहाँ से। बेटे, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं दादाजी, पसली तो जली है, हाथ पांव तो सलामत है, फसल फिर हो जाएगी। शाबाश बेटे, जीते रहो। लेकिन इन लोगों का मुंह बंद करने का एक ही इलाज है, अब तो तुम्हारी और बिट्टू की मंगनी फौरन कर दी जाए, मेरा मतलब है कल ही। राजा साहब, हम बहुत छोटे लोग हैं, फिर भी इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बेटी हमारी पलकों पर रहेगी, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे हम। शांति भाभी, छोटे बड़े की तो बात ही बेमानी है, भगवान का दिया बिट्टू के पास सब कुछ है। एक माँ के प्यार की कमी थी, वो आपने पूरी कर दी। बिट्टू आपकी बहुत तारीफ करती है। आनंद, हमारे लाड प्यार ने बिट्टू को जरा जिद्दी बना दिया है, अगर कभी इससे कोई गलती हो जाए हमें आकर डांट देना। मुंशी जी, ये लो बिट्टू। आनंद, हमारा दोस्त आज से तुम्हारा हुआ।
ठीक तो है ना? कोई दुष्ट हमारे गुरुजी को मारकर चला गया है, इन्हें हमारे डेरे तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। देखिए, एक साधु की सहायता करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेगा, हमें छोड़कर मत जाइए। ठीक है, पीछे गाड़ी में बैठ जाओ। रुक जाओ आनंद। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर वो एक्सीडेंट? वो तो हमारी माया थी, माया समझते हो ना? तुम क्यों नहीं समझोगे? तुम्हें तो बहुत लंबा अनुभव है हमारी मायावी शक्ति का। देखो गोरखनाथ, अब मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारी माया के चक्कर में आ जाऊंगा। मेरी ताकत के सामने तुम्हारी माया नहीं चलेगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम हमें जान से मार डालोगे? तुम जिसे 15 वर्ष तक हमने अपनी तंत्र विद्या से सांप बनाकर ही इसी जगह में बंद कर रखा था, हम चाहे तो तुम्हें दोबारा उसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां तुम थे। हमने सोचा था कि तुम हमारा काम खत्म कर दोगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मुक्त कर देंगे, लेकिन नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। तुमने हमें धोखा दिया है, गोरखनाथ को छला है, हमारे क्रोध को भड़काया है। हमने तो तुम्हें मणि पाने के लिए नीलम को धोखे से अपने प्यार में बांधकर यहां लाने के लिए कहा था, उसे शादी ब्याह रचाने के लिए नहीं। शादी करना अपराध नहीं है, लेकिन हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी सजा तुम्हें और नीलम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। नीलम मेरी होने वाली पत्नी है, अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो याद रखना, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा ढोंग का ये अड्डा, मैं सब कुछ चलाकर राख कर दूंगा। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है मूर्ख, अब तू नहीं बच सकता, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। भैरो भैरो। गुरुदेव, अभी तक सोई नहीं, 12 बजने वाले हैं। आनंद अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। वो तो कह रहे थे खेती के लिए दवाएं और खाद लेकर शहर से शाम को ही लौट आएंगे। तो ऐसा कर दिनू, बड़ी हवेली चला जा, शायद नीलम को कुछ पता हो। ठीक है माँ जी, मैं पता करता हूँ।
माँ जी। नीलम बेटी। माँ जी कुछ पता चला? नहीं बेटी। माय गॉड, आखिर कहाँ गए होंगे? कुछ समझ में नहीं आता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है, हो सकता है किसी जरूरी काम से शहर में रुक गया हो। मुंशी जी, जी कुछ आदमी भेजकर फौरन पता लगवाइए। जी अच्छा। क्यों बहुत कष्ट में हो? हाँ, चार दिन में इतना घबरा गए? देख लिया गोरखनाथ से टकराने का फल, अब तो तुम्हारे भाग्य में जीवन भर तड़पना और तुम्हारी नीलम के नसीब में रोना ही रोना लिखा है। जानती हूं तुम लोग नीलम की वजह से बहुत परेशान हो। जब तक मैं जिंदा थी मेरी वजह से भी तुम लोग ऐसे ही परेशान रहते थे। न जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे यह भी मालूम है कि तुम नीलम पर कोई आंच नहीं आने दोगे, लेकिन तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं। गोरखनाथ बहुत सिद्ध पुरुष है, उससे तुम बहुत दिन तक नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं चाहती हूं कि एक बार तुम नीलम को उस मणि का स्पर्श करवा दो। वो उस मणि को छू लेगी तो उसके अंदर वो सब शक्तियां अपने आप आ जाएंगी जो मेरे अंदर थी। उन शक्तियों को पाकर नीलम गोरखनाथ का हर तरह से मुकाबला कर सकती है।
तुम यहाँ कैसे आ गई? निकल चलो यहाँ से जल्दी। लड़की मूर्ख है, वो नहीं जानती वो किससे टक्कर ले रही है। भैरव, भैरव, हमारे हमारे क्रोध की ज्वाला उन दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी में आओगे। नीलम, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे गोरखनाथ से छुटकारा मिला। गोरखनाथ से तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरी जिंदगी का डरावना इतिहास है नीलम। जब मैं 7 साल का था, गोरखनाथ मुझे मेले से उठाकर ले गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आपको एक शमशान में पाया जहां गोरखनाथ सिद्धि कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बलि चढ़ाकर अपनी सिद्धि पूरी करेगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसने मेरी बलि नहीं दी, बल्कि शमशान में खोपड़ियों के बीच लेटाकर मेरे ऊपर काले ओढ़ फेंककर मंत्र पढ़ने लगा। मेरा शरीर एकता गया, मैं बेहोश हो गया और उसने अपनी तंत्र विद्या से मुझे सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर दिया। पूरे 15 साल मैं उसी तरह पिटारी में बंद रहा। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, लेकिन अचानक एक दिन गोरखनाथ ने अपनी स्वार्थ सिद्धि का मोहरा बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया। तो तुम मणि लेने के लिए मेरे पास आए थे? मैं तुम्हारे पास आया जरूर था, लेकिन मणि मुझे नहीं, गोरखनाथ को चाहिए। बल्कि तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें उसके हवाले करने का इरादा ही छोड़ दिया, क्योंकि उस तांत्रिक के हाथों जो तकलीफें मैंने उठाई हैं, मैं नहीं चाहता कि वही तकलीफें तुम भी उठाओ। इसलिए उसने अपनी तंत्र विद्या से दोबारा मुझे अपने वश में कर लिया और अब मुझे जीने के लिए गोरखनाथ का खून करना ही पड़ेगा। नहीं आनंद, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी साधु की हत्या करो। तुम नहीं जानती नीलम, उसे मारने से बहुत लोग बच जाएंगे। अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए उसने ना जाने कितने लोगों की बलि दी है और मणि पाने के लिए ना जाने और कितने लोगों की बलि देगा। वो मणि उसे नहीं मिलेगी आनंद, चाहे उसके लिए वो अपनी ही बलि क्यों ना दे दे। नीलम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे छुड़ाया कैसे? तुम्हें ये शक्ति मिली कहां से? ये सब मेरी मां के आशीर्वाद का प्रताप है। अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हें उस मणि तक ले जा सकती हूं। नहीं नीलम, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये मणि हासिल की है वो इसका सुख भोगने के लिए जिंदा नहीं बचा। गोरखनाथ के गुरु भैरवनाथ ने सारी जिंदगी मणि पाने के लिए संघर्ष किया और जब वो मणि के पास पहुंचे तो उन्हें सांपों ने डस लिया और वो मर गए। तुम्हारी मां भी तो मणि का सुख नहीं भोग सकी, वो भी तुम्हारे पिताजी के साथ कार एक्सीडेंट में मर गई। और सबसे बड़ी मिसाल तो भगवान कृष्ण की है, उनकी मौत भी मणि की वजह से हुई थी। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? 15 साल गोरखनाथ के साथ रहकर अच्छी बुरी कई बातें मैं जान गया हूं, और ये सब जानने के बाद कौन मूर्ख मणि को पाने की कोशिश करेगा। नीलम, तुम्हें पाकर मुझे दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए, और सबसे कीमती चीज तो तुम हो। आनंद, चलो घर चलते हैं, माँ जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चलो। तू कहाँ चला गया था बेटे, इतने दिन बिना बताए? तुमने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। मैं शहर चला गया था दादाजी, वहां कुछ दोस्तों ने मुझे रोक लिया और खबर करने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। ऐसे कौन से दोस्त हैं तुम्हारे जो माँ से भी प्यारे हैं? अरे, माँ से प्यारा कोई हो सकता है? अब माफ भी कर दो ना, आइंदा तुम्हें बगैर बताए कहीं नहीं जाऊंगा। भाभी, अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। जी बताइए। अब जल्दी से इन दोनों की शादी कर दो, वरना ये ऐसे ही भागता रहेगा। मैंने तो इसी पूर्णिमा का मुहूर्त भी निकलवा लिया है, पंडित जी बता रहे थे कि ये मुहूर्त बहुत शुभ है। अरे, आपके लिए शुभ है तो हमारे लिए भी शुभ है। नहीं, गोरखनाथ को छेड़ना
शेर के मुंह में हाथ डालना है। मुझे कसम है गुरुदेव आपकी, अगर आनंद और नीलम की विवाह की आग को उनकी चिता की अग्नि में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी गोरखनाथ नहीं। गुरुदेव मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता। बच्चा गोरखनाथ। कौन है, कौन है, सामने आओ। हम तो तेरे पास ही हैं बच्चा, तेरे अपने मन में, तेरे गुरु भैरवनाथ। हमारा मान रख लीजिए गुरुदेव, देखिए देखिए आपके शिष्य की क्या दशा की है। लेकिन हमें कसम है आपकी भैरवनाथ, हम भी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यर्थ का हट छोड़ दे गोरखनाथ और बच्चों को क्षमा कर दे। नहीं, कभी नहीं। ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती गुरुदेव, नहीं हो सकती। मैं भी अपने अंतिम समय तक लड़ता ही रहा था, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने रजनी को क्षमा कर दिया। कर दिया होगा, आपने हार मान ली होगी गुरुदेव, लेकिन हम आपकी तरह कमजोर नहीं, हम हट्टी योगी हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति हमारा हट नहीं तोड़ सकती। समझने का प्रयत्न करो गोरखनाथ, तुम्हारा हट योग तंत्र मंत्र उस दिव्य शक्ति के सामने बेकार है जो समय समय पर नीलम को नागों से मिलती रहती है। वो शक्ति किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। हमने सोच लिया है कि हम महासिद्धि यज्ञ करेंगे गुरुदेव, और उस मणि के रक्षक दोनों नागों को अपने वश में कर लेंगे, जो हमारे एक इशारे पर आनंद और नीलम दोनों को यहां तक खींच लाएंगे। फिर देखना वो मणि अपने आप कैसे हम तक पहुंच जाती है गुरुदेव, अपने आप। ये सब उतना आसान नहीं बच्चे जितना तुम समझते हो। ये भैरवनाथ नहीं गुरुदेव, गोरखनाथ है गोरखनाथ। हमारी दृष्टि एक बार जिस चीज पर पड़ जाती है, या तो हम उसे पाकर रहते हैं या उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। एक बात और सुन लीजिए, हम अब तक आपको अपना आदर्श मानते रहे, लेकिन आज पता चला कि आप तो एक साधारण और कमजोर साधु थे जिसने एक लड़की से हार मान ली। इसलिए आज से आपकी जय जयकार बोलना बंद और महासिद्धि यज्ञ शुरू। जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ। हलो विमा सूर्या स्वयं पर बल्लभ भी बाहर जा सदे जो साम्य सर्वम 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 सर
वरदान दो मां, अग्नि देवता को आदेश हो कि उठकर मेरी आहुति स्वीकार करे। अग्नि प्रकट हो, अग्नि प्रकट हो। आहुति स्वीकार करके तुमने इस भक्त को देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तुमने हमें वो शक्ति दे दी जो हमारे और मणि के बीच पैदा होने वाली हर बाधा का नाश कर सकती है। मां, तेरे इस भक्त के साथ छल हुआ है। नीलम ने हमारी विद्या और सिद्धि को ललकारा है और आनंद ने हमें धोखा दिया है। आनंद को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी हत्या हमारे हाथों नहीं, किसी और के हाथों होगी और उसका फल हमें मिलना चाहिए। मां, हमें नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी। मुझे हर वक्त उनके साथ रहना होगा, हर वक्त। आज की ताजा खबर क्या है? आज की ताजा खबर यह है कि एक खूबसूरत लड़की ने एक सीधे साधे लड़के पर ऐसी बिजली गिराई कि वो बेचारा कहीं का नहीं रहा। अच्छा? हाँ, उस बेचारे का कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। जी चाहता है कि उसकी जुल्फों के साए में बैठा रहे। सच? हाँ नीलम, आज तो वाकई तुम कत्ल करने के इरादे से आई हो। सर से पांव तक कयामत ही कयामत है। इसलिए रोज मुझे छोड़कर चले जाते हो। किस कमबख्त का दिल करता कि तुम्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन कुछ काम ही है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सारा दिन यही घर में रहोगे मेरे सामने। ये नहीं हो सकता, वहां पर लेबर इंतजार कर रही है और बुआई के लिए जमीन बिल्कुल तैयार है। अगर आज देर हो गई तो सब। एक दिन में कुछ देर नहीं होती। समझने की कोशिश करो नीलम, कई साल बाद इस साल अच्छी बारिश हुई है, बुआई करना आज बहुत जरूरी है। बुआई वो लोग कर लेंगे ना। मैं एक किसान हूँ और हर काम अपने हाथों से करने में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम किसान हो तो मैं किसान की पत्नी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहाँ क्या करोगी? जो तुम करोगे। ये नाजुक हाथ काम करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए है। तुम घर पे रहो, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? जिद मत करो, कहा ना मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारी छाया हूँ, जहाँ तुम वहाँ मैं। ये क्या रूप बना रखा है तुमने? किसान का। अरिया, रामू, अरे सब मजदूर कहाँ हैं? मैंने सबकी छुट्टी कर दी। छुट्टी? मगर क्यों? सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे,
नहीं हो सकता। ये कौन सी शक्ति है जो आनंद की रक्षा कर रही है? नीलम के पास ये शक्ति कहां से आई? वो दोनों काले नाग, जरूर उन्होंने कुछ किया है। उनका बंदोबस्त करना होगा। ये बीन नहीं मां, तुम्हारा दिया हुआ वरदान है। इस बीन की आवाज किसी को भी अपने बस में कर सकती है। इसकी चुंबक जैसी शक्ति शेष नाग को भी अपनी तरफ खींच सकती है। हमें शक्ति दो मां कि हम उन दो काले नागों को यहां बुलाकर उनको अपने बस में करके मणि का पता लगा सकें। जय भद्रकाली। तो हमारी सिद्धि तुम्हें यहां तक खींच लाई। अब तो तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान हो गया होगा। कहां है तुम्हारा जोड़ीदार? ओ, मणि की रक्षा कर रहा होगा। अब तुम्हारा हित इसी में है कि हमारी आज्ञा मानो और हमें उस मणि तक ले चलो। हमें बाबा भैरवनाथ जैसा कमजोर समझ रहे हो, जिनकी तुम दोनों ने जान ली थी? हम गोरखनाथ हैं, मां सिद्धाजय बाबा गोरखनाथ। कहां चले नाग देवता? मणि का पता बगैर बताए तुम यहां से नहीं जा सकते। इस रेखा से बाहर अब तुम तभी जा सकते हो जब मुझे मणि का पता बता दोगे, वरना इस रेखा के अंदर ही तुम भस्म हो जाओगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा नाग देवता, मणि का पता बताकर अपनी जान बचा लो। मणि तक ले चलो मुझे, नहीं तो वो दंड दूंगा कि सारी नाग जाति बाबा गोरखनाथ का नाम सुनकर कांप उठेगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारा काल है मेरे पास। पूछो इस केंचुए से मणि कहां है। बहू सुन तो सही। अरे ये क्या हो गया बहू को? मारो इस केंचुए को, मारो और पूछो इससे कि मणि कहां है। आओ, एक बार तुम्हारे हाथ कोई चमत्कार लग गया और तुम आनंद को छुड़ाने में सफल हो गई तो तुमने सोचा कि तुमने गोरखनाथ को हरा दिया। लेकिन हम इन चमत्कारों और जादू टोनों में विश्वास नहीं रखते।
हम तांत्रिक हैं, संसार के सबसे महान तांत्रिक, और हमारी शक्ति से तुम यहां तक खींची चली आई हो। तुम्हें यहां आने का कष्ट शायद हम न देते अगर तुम्हारे दोनों नाग हमें मणि का पता बता देते। इन बेजुबान प्राणियों को अपने स्वार्थ की वेदी पर बलि क्यों दे रहे हो गोरखनाथ? तुम जैसे विद्वान साधुओं का काम तो जीव की रक्षा करना है, उनकी जान लेना नहीं। ये लड़ाई रुक दो। ये नाग अगर मणि का पता बता दे तो ये युद्ध भी रुक जाएगा, और अगर इनकी निष्ठा ने इनकी जबान बंद कर रखी है तो तुम बताओ मणि कहाँ है, और अगर तुमने हट किया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, और तुम्हारे बाद तुम्हारे पति आनंद को भी मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। ये नेवला नहीं लड़की, ये शक्ति है, एक ब्रह्मचारी साधु की आत्मशक्ति। शायद तुम एक सती, एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति को नहीं जानते हो गोरखनाथ। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे जैसे हजार पाखंडियों को भस्म कर सकती है। मत करो ये लड़ाई। लड़ाई तो अभी शुरू होगी लड़की, ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे आनंद का भी यही हाल करूंगा। तेरी शक्ति नहीं लड़की, उस मणि का चमत्कार है। पर ये न समझ के बाबा गोरखनाथ विवश हो गया, हम तुझे भी नाग योनि में डाल देंगे जैसे तेरे पति को डाला था, और फिर तू हमें मणि का पता बताएगी। उस मणि का मोह छोड़ दो गोरखनाथ, और अपनी शक्ति को मानव जाति की भलाई में लगाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे गुरु भैरवनाथ को हुआ था। चलो। देखा, हमारी सिद्धि को ललकारने का फल, बहुत अभिमान था तुझे अपनी शक्तियों पर, अब देखते हैं तू और तुम्हारे दो नाग क्या करते हैं।
इस साधु की हत्या का पाप अपने सर न लो। दादाजी आप इस पाखंडी को नहीं जानते। इस हरामजादे ने एक मनी के लिए नीलम और मेरी जिंदगी से खेलना चाहा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं सब जानता हूं। नीलम ने मुझे सब बता दिया है, इसलिए आज इस खतरनाक खेल को खत्म करने के लिए मैं ये मनी इस साधु को देने के लिए अपने साथ लाया हूं, जो कि हवेली में रखी हुई थी। नहीं दादाजी, ये मनी से मत दीजिए। ये एक पागल साधु है, मनी पाने के बाद ना जाने ये क्या क्या करेगा। नहीं आनंद, इस मनी में दैवी शक्ति है। हम दुनियादारों के पास इसका रहना ठीक नहीं। गोरखनाथ, मैं तुम्हें ये मनी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। ये मनी पाने के बाद तुम यहां से इतनी दूर चले जाओगे कि हम जिंदगी भर तुम्हारी कभी सूरत ना देख सकें। मुझे मंजूर है, मैं चला जाऊंगा। नहीं दादाजी, ये साधु मनी पाने के लायक नहीं है। एक बार मनी इसके हाथ लग गई तो ये दुनिया में तबाही मचा देगा। बिट्टू, जो चीज मेरे बच्चों के लिए खतरा बन जाए मैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। नहीं दादाजी, उठा लो ये मनी और चले जाओ यहां। दादाजी मेरी बात तो सुनिए। चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मनी मनी, सारी जिंदगी इसके लिए संघर्ष किया। मणि मिल गई मुझको, मेरे जीवन भर का सपना साकार हो गया। मुझको वो शक्ति मिल गई जिसके लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया। मेरा महासिद्धि यज्ञ सफल हो गया, मुझे मेरे महासिद्धि यज्ञ का फल मिल गया। मणि मिल गई मुझको। अब मैं सबको देख लूंगा, सबको। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। इसी मणि के हाथों तुम्हारा सर्वनाश होगा। मणि मणि। देखो ऐसे पापियों को देवी देवता मरने के बाद भी स्वीकार नहीं करते। अरे मणि कहां गई? मणि अपनी जगह वापस जा रही है दादाजी, वो देखिए। आज मां के दरबार में तुम दोनों को नया जीवन मिला है। प्रणाम करो।